किया था, सॉरी 22 तक किया था, आज हम 23 से शुरू करेंगे मैट्रिसेस का। क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज आप पढ़िएगा। मल्टीप्लीकेशन का रूल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताई गई है, प्लीज आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन। आपसे ये कह रहे हैं कि वो मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास रूल होता है क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो के साथ इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 147 −258 −258 369 103 103 320 545 इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने बताया था 7 रूल अप्लाई करेंगे, पहले का रो दूसरे का कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा 1 × 1 + −2 × 0 + 3 × 3 फिर आपको इससे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 − 4 फिर ये +0 हो जाएगा फिर 5 − 8 ये और ये मल्टीप्लाई मैंने किया अभी ये और यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +15 यहां पे। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है 4 + 5 × 0 तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा फिर 6 × 3 = 18 हो जाएगा ये फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करनी है 4 × 3 = 12 5 × 2 + 10 6 × 0 + 0 फिर 4 को इससे 35 ये 35 होगा 35 फिर 8 को 4 से +32 9 को 5 से +45 ये मिस्टेक हो गया हमारे पास यहां पे देखिए 4 को 5 से 20 प्लस 5 को 4 से इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +30 अभी 7 वाले को मल्टीप्लाई इस 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा इस 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा फिर इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 फिर 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 9 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। अब आप देखिए इसको ऐड करना है तो यहां पे 10 हो जाएगा यहां पे 10 यहां -1 हो जाएगा यहां पे देखिए 20
यह 12 हो जाएगा, यहां पे 22 हो जाएगा, यहां पे भी 22 हो जाएगा, और यहां पे आपको 70 हो जाएगा, 70, यहां पे आपको 34 हो जाएगा, 34, और इसको इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 37, और ये आपको 45 प्लस 35, ये 80 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112। अब आप सर्च करेंगे कौन सा आपका ये बेस्ट है, तो ये वाली आपका है जो कि आपको वेरीफाई करता है ए, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्वेश्चन कही गई है इसको इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो भाई इसका क्या है 2 × 3 है, इसका क्या है 3 × 1 है। हाँ जी, मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हमारे पास क्या है -3 -1 3 -1 0 2, यहां पे क्या है हमारे पास 2 1 3 -3 0 1। अब देखिएगा हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट का जो होगा ऑर्डर क्या होगा, प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 3 × 2 है ना, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को -3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इस -1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा, फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, फिर इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, ये 7, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14 तो है ही नहीं इसका, यहाँ पे 12, यहाँ पे ये 14 कब हो सकता है, देखिएगा 14 तो आंसर है नहीं, जबकि यहां पे भी 14 दिया हुआ है, 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 अब यहां पे 6 दिया हुआ है तो, और -6 दिया हुआ है तो इसमें इसका मतलब कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। अब वह मिस्टेक क्या हो सकता है कि यह वाला आपको प्लस होगा, ये वाला जो -3 जो लिखा हुआ है ना, ये जो -3 लिखा हुआ है यहाँ पे जब +3 होगा तो करेक्ट होगा +3, जब यदि +3 होता तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे यदि +3 होता तो हमारी जो फर्स्ट रो में कैसी मल्टीप्लीकेशन आता, देखिए +3 यहाँ पे +6 हो जाता, ये +3 होता तो यहाँ पे क्या होता +3 this -9 हो जाता, तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, यहाँ पे रिजल्ट आता 14, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये आंसर होता बी, तो ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है इसलिए आंसर आपका गलत आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये बी पार्ट तभी आंसर होगा जबकि यहाँ पे +3 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चंस आप समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन 25 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है कि
आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या भाई फाइंड ए बी, डज बी ए एग्जिस्ट, ए बी को निकालनी है, क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिएगा ए का हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितनी है, 2 × 3 है। बी का जो ऑर्डर है हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 3 × 4 है। तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपका इक्वल है, तो इसीलिए ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बी ए किया जाए तो 3 × 4, ए को 2 × 3, फर्स्ट का कॉलम 4 है, सेकंड का रो 3 है, तो ये 4 ≠ 2, इसलिए बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए नॉट एग्जिस्ट करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी तो एग्जिस्ट करेगा बट बी ए नॉट एग्जिस्ट, ये अला आपका तो आंसर होना चाहिए। अब ए बी को कैसे निकालेंगे, ये आप देखिएगा, यहाँ पे 3, 1, 2, 2, 0, 4, ये आपका 1, 2, 3, 2, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 2, ये आपके पास है। अब इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा प्लीज, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 + 2 + 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 3 + 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यह 3 × 0 + 1 × 1 + 2 × 2, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 × 2 × 1 + 0 × 2 + 4 × 3 = 12, फिर 4 + 0 + 0, फिर आपको क्या हो जाएगा, 6 + 0 + 4, फिर 0 + 0 + 8, अब आपका ये आंसर कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये आपको 5 हो जाएगा, 5। यहां पे देखिए आप, ये तो 0 हो जाएगा, 12 + 2 = 14 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये आपका ये पार्ट आपका एग्जिस्ट करेगा, 25 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26 में आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, इफ दिस एंड दिस, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये तो आपका प्रॉपर्टी ही है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी ही है, तो ये आपका होगा ए बी का आपका क्या है, 2 × 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 × 1 है, 4 × 2 है, तो ए बी तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब बी ए में देखिए, बी ए में बी का क्या है, 4 × 2 है, लेकिन ये क्या है, 2 × 4 है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा 2 × 2 होगा, और बी ए का जो ऑर्डर होगा 4 × 4 होगा, तो कैसे इक्वल होगा, तो ये आपका पहला पार्ट आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा। प्लीज इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, इसको फिर से मैं समझाता हूं,
ए जो है 2 × 4 है, 2 रो 4 कलम। बी जो है 4 रो 2 कलम। तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट का कलम और सेकंड की रो के बराबर है। तो ए बी जो मल्टीप्लाई होगा उसकी ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 2 × 2 ऑर्डर होगा। अब बी ए के केस में देखिए, बी ए के केस में बी जो है आपका 4 × 2, ए जो है 2 × 4। हाँ जी किया जा सकता है, लेकिन बी ए जो आएगा उसकी ऑर्डर 4 × 4 होगा, इसका ऑर्डर 4 × 4 होगा। तो हम कर तो सकते हैं 4 × 4, बात समझ आ रही है बेटा? तो इस तरह आपको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो ए आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। ए बी आपको, ये तो गलत है, ए बी एक्सिस्ट बी ए नॉट एक्सिस्ट, ए बी गलत है। एक्सिस्ट तो दोनों करेगा, ए बी डज नॉट एक्सिस्ट, ए बी गलत है। तो ये आपका ये पार्ट आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, हमने कौन से क्वेश्चन दिया, 26। अब 27th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27th नंबर क्वेश्चन से आसान है। क्वेश्चन नंबर 27, ए इक्वल टू आपके पास है 0 i, आयोटा इसे कहा जाता है, वेक्टर का है 0, आयोटा का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो आपसे बोला गया है कि भाई आप ए एक्स स्क्वायर निकालिए, तो ए एक्स स्क्वायर का मतलब 0 i, यहाँ पे 0 i, 0। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + i का x² यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा 0, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये आयोटा का एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो अल्टीमेटली आयोटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, 0 0 -1। अब यहाँ पे हमें ए क्यू निकालनी है, ए क्यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए, तो ए एक्स स्क्वायर में हमारे पास है -1 0 0 -1, और यहाँ पे आपके पास जो है -1। अब आपके पास 0 i, i 0। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ऐसे, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -i हो जाएगा और +0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - i, और यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा। अल्टीमेट आपका आंसर जो आएगा 0 - i - i। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा होगा सिर्फ -i प्लस यहाँ पे 0, ये आंसर होगा। तो ये आपका आंसर जो होगा -1 1, और ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चंस, अब 28 के बाद हमारे पास क्रेमर्स रूल आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चंस, 28 नंबर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।